वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, इनके केस के ऊपर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पता लगाया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसके अंदर बॉम्ब था, उस गाड़ी के साथ एक और गाड़ी आ रही थी यानी कि इनोवा। NIA काफी वक्त से पता लगाना चाह रही थी कि वो गाड़ी कौन सी है, कौन चला रहा था और वो गाड़ी किसकी है, जिसके बाद शॉकिंगली पता चल के आ रहा है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सचिन वाजे खुद चला रहे थे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो इनोवा गाड़ी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट की ही गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी। ये पूरा इंसिडेंट बॉम्ब रखने वाला 25 फरवरी को हुआ, लेकिन वो गाड़ी जो हवलदार चलाता है 24 फरवरी को उसने बताया कि मैंने रात को काम खत्म होने के बाद वो गाड़ी हेडक्वार्टर्स, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके खड़ी कर दी, जिसके बाद वो गाड़ी कहां गई मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं बताता हूं वो गाड़ी कहां गई। वो गाड़ी सचिन वाजे ने ली, उसका नंबर प्लेट उन्होंने बखूबी बदला और उसके बाद उस गाड़ी को इस पूरे इंसिडेंट में अंजाम देने के लिए यूज किया। स्कॉर्पियो गाड़ी जो उनके बिल्डिंग में ही खड़ी थी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, काफी वक्त से स्कॉर्पियो गाड़ी सचिन वाजे की बिल्डिंग में खड़ी थी। उनकी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिसके अंदर ये पूरा इंसिडेंट कैप्चर हुआ है, लेकिन सचिन वाजे टॉप कॉप दिमाग वाले आदमी, इन्होंने क्या किया कि अपने सोसाइटी में सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को डिलीट कर दिया। दूसरी चीज, इन्होंने स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट को चेंज किया था, इनोवा के नंबर प्लेट को चेंज किया था, तो जिस दुकान से इन्होंने नंबर प्लेट लिया था उस दुकान में भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और सचिन वाजे ने वहां से भी सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर दिया, जिसके बाद NIA ने इनके घर पे छापा मारा। जो मर्सिडीज गाड़ी सचिन वाजे चलाते हैं उसकी भी चेकिंग की गई तो गाड़ी के अंदर 5 लाख रुपए कैश मिले, पैसे, नोट गिनने वाली मशीन मिली, कई अदर डॉक्यूमेंट्स मिले और बियर की बोतलें मिली, जिसके बाद ये पता चला कि वो मर्सिडीज गाड़ी का नंबर प्लेट भी नकली है। NIA इसके आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोचिए कितना फिल्मी सारा माहौल हो रखा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब मिलता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं सचिन वाजे, बाद में पता चलता है कि वो सारा कांड सचिन वाजे ने खुद किया है। समझ रहे हो ना, हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के ऊपर प्राइवेट बैंक ऑफिसर्स की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश आया था जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सारे PSU बैंक्स यानी कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद निर्मला सीतारमन ने कल कहा कि हम सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और उसके अंदर जो स्टाफ काम करता है उसका पूरा सैलरी, उनकी सैलरीज, उनका पेंशन, इन सारी चीजों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज से 7 साल पहले नागपुर में रहने वाले डॉक्टर के एक कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को काट लिया था, आज से 7 साल पहले, और आज यानी कि 7 साल बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि उस डॉक्टर को यानी कि कुत्ते के मालिक को सजा दी जाएगी, 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कल बंगाल में अपनी स्पीच में कहा कि TMC के जितने भी गुंडे हैं उन्हें एक एक करके पकड़ा जाएगा, बस एक बार BJP की सरकार बंगाल में बन तो जाए, जिसके बाद TMC की MP कहां रुकी, महुआ मोइत्रा ने तुरंत इसके ऊपर जवाब दिया कि योगी जी जो कह रहे हैं कि वो TMC के गुंडों को एक एक करके मारेंगे तो मैं बता दूं कि गुड्डू जी, सुनिए जी, हाँ उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को गुड्डू जी बुलाया, क्यों बुलाया इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पर उन्होंने कहा कि गुड्डू जी सुनिए, ये जो आपका ठोक दो वाला हिसाब है वो बंगाल में नहीं चलेगा। गैंगस्टर छोटा राजन को 10 साल की सजा सुनाई गई है 2013 में एक बिल्डर का मर्डर करवाने के केस में, जहां पे एक बिल्डर मलाड के इन्फिनिटी मॉल से बाहर आ रहा था तो 3 लोगों ने मिलके उसकी जान ले ली, जिसके बाद इतने सालों के बाद कल जाके ये डिसीजन आया कि छोटा राजन समेत 7 और लोगों को इस पूरे केस में 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और हर एक बंदे को 5-5 लाख रुपए का फाइन भरने के लिए कहा है, जिसके बाद
छोटा राजन ऑलरेडी तिहाड़ जेल में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा उन्हें ऑलरेडी मिल चुकी है 2011 में एक जर्नलिस्ट का मर्डर करने के केस में। तो एक और केस चल रहा था जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई। इससे हालांकि कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल चुकी है, तो उन्हें वही सजा भुगतनी है। बस एक और केस चल रहा था तो उसका भी फैसला आ गया और उसमें उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है। भारत की एक अचीवमेंट वाली न्यूज आपको सुनाता हूँ। मंडे को इंडिया ने पूरे देश में सिर्फ एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अब तक का रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई मंडे को। पर अभी भी 50% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाना अभी भी बाकी। जब वैक्सीन की बात की ही है तो थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी जानते हैं। भारत ने अभी तक 5,80,00,000 वैक्सीन के डोजेस 70 अलग अलग देशों में भेजे हैं, जबकि भारत में 3,50,00,000 वैक्सीन के डोजेस ही दिए हैं, जिसके ऊपर ऑपोजिशन ने सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि पहले अपने देश वालों को वैक्सीन दे दो, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो दूसरों का सोचो। जिसके ऊपर सरकार ने जवाब देते हुए बताया कि भारत सरकार दूसरे देशों को वैक्सीन तब नहीं दे रही है भारत को पीछे छोड़ के। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन हैं जो हम दूसरे देशों को दे सकते हैं, जरूरतमंद देशों की मदद कर सकते हैं, तभी उन्हें दिया जा रहा है। बाय द वे, मैं अपना ओपिनियन इसके ऊपर रखते हुए आपको बता दूं कि भारत ने ज्यादातर देशों को वैक्सीन बिल्कुल फ्री में दिए, तो इससे कोई पैसे नहीं कमाए जा रहे हैं। मैंने अभी आपको कल ही एक खबर सुनाई थी जहां पे एक स्कूल टीचर जो स्कूल में डांस सिखाते थे, लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। एक खबर उसी की तरह आज मुंबई से निकल के आ रही है। मुंबई में रहने वाले एक 28 साल के इंजीनियर जिन्होंने लॉकडाउन में सब्जी बेचना शुरू कर दिया था। वैसे भी ज्यादातर इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ना करके कुछ और ही करते हैं, पर एनीवेज सब्जी बेचना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ड्रग्स में भी अपना हाथ आजमाया। मुंबई पुलिस ने उनके घर से सब्जी के बोरियों के बीच में ड्रग्स छुपा हुआ मिला। ड्रग्स यानी कि मैरिजुआना, जिसको कहते हैं कि गांजा। 60 किलो से ज्यादा गांजा इनके घर पे मिला, जिसकी कीमत 9,50,000 रुपए, जिसके बाद नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस इंजीनियर को अरेस्ट कर लिया। मुंबई में एक वेब सीरीज बनाने वाला डायरेक्टर अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा था, जिसके बाद तुरंत उस गाड़ी में एक मॉडल और 3 और लोग जबरदस्ती घुस गए, जिसके बाद उस डायरेक्टर को बोला कि तू गाड़ी चला, उससे बदतमीजी की, गाली गलौज की और चाकू के दम पे उस डायरेक्टर से 4,00,000 रुपए मांगे, जिसके बाद उसका फोन लेके उस फोन ही से UPI पेमेंट के थ्रू पैसे भेजना शुरू किए। और ये तीनों लोग, फोन चलाना उनको उतने अच्छे से आता नहीं था, जिसकी वजह से कई बार गलत OTP डाला उन्होंने, जिसकी वजह से सिर्फ 1,40,000 रुपए ही वो अपने फोन से अपने बैंक अकाउंट में ले पाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते चलाते थाने लेके चल, फिर थाने पहुंच गए तो वहां से कहा कि सियोन लेके चल, फिर सियोन पहुंच गए, फिर वहां पे रोक के एक ATM के बाहर उतारा और जबरदस्ती ATM से 20,000 रुपए निकालने को कहे, जिसके बाद उसने बेचारे ने 20,000 रुपए निकाल के दे दिया। 20,000 लेके ये लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद परेशान होके इसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस अभी भी इन आरोपियों को ढूंढ रही है। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक बुरी खबर। एग्जाम से पहले 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके पहले एजुकेशन बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन बैंक्स रिलीज किए हैं बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों की हेल्प कर पाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसके बाद कई बच्चों ने बताया कि इस क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने पढ़े ही नहीं है। ये क्वेश्चंस सरकार ने बताया था, यानी कि एजुकेशन बोर्ड ने बताया था कि इतना सिलेबस आपका कम हो गया है कोरोना की वजह से और आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर क्वेश्चन बैंक में उस सिलेबस का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, तो ये हमारी हेल्प कैसे करेगा, हमको कैसे समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारी दुविधा को और बढ़ा रहा है।
अगली खबर वसई से, सो ऑल द वसई फैंस पे अटेंशन। वसई में रहने वाले एक 27 साल के लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी माँ दोनों के ऊपर हमला किया। ये दोनों कपल्स थे और कुछ वक्त पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद लड़का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। बहुत सारी कहा सुनी हुई, जिसके बाद लड़के ने चाकू से अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला किया। माँ बीच में आई तो माँ के ऊपर भी चाकू से हमला किया, उसके बाद खुद जहर पी लिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ और एक्स गर्लफ्रेंड दोनों खतरे से बाहर है, पर लड़के की जान काफी ज्यादा क्रिटिकल। कपिल शर्मा शो के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सेदार रह चुके, जिनकी जगह अब हमारी दीदी अर्चना जी ने ले ली है। जी हाँ, सिद्धू ठोको ताली वाले जी की मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए कांग्रेस पंजाब में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जगह ढूंढ रही है 2022 में, पंजाब में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके बाद। काफी वक्त से ऑपोजिशन पार्टियां और कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि भारत सरकार इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देने वाली है, उसे बेच देने वाली है, जिसके बाद रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इंडियन रेलवेज भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। भारत सरकार इंडियन रेलवेज को कभी भी बेचने नहीं वाली किसी भी प्राइवेट कंपनी को। इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने 77 रन नॉट आउट मार के धुआं उड़ा दिया था, जिस धुएं को बटलर ने पूरी तरह से साफ कर दिया और नॉट आउट 83 रन मारे और हमारे मेहमानों ने जिसके बाद हमें 8 विकेटों से हरा दिया। चलिए आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको मेरे डेली न्यूज अपडेट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तब तक फिर से कल मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।